यार विद्या, कैसी बचकानी बात कर रही हो तुम? अब इसमें बचकाना क्या है यार? मुझे ऑलरेडी ऑफिस का बहुत सारा काम है और पीएका का भी होमवर्क करवाना है, और तुम भी कुछ अपना काम वाम निपटा लो और मुझे माफ करो यार इन सब झंझटों से। अजी मेरी बात सुनो ना, माँ को सचमुच बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। दिमाग खराब हो गया इसका। ठीक है, मत करो। अरे यार तुम कर लो ना, मैंने कब मना किया तुम्हें? तुम्हें करना है तुम करो, बस मुझे इन झंझटों से दूर रखो, मुझे माफ करो। और ये जो अब तुम्हें सास और बहू का तमाशा करना है ना, इसे तुम करो। तमाशा? ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने, तमाशा। जब तुम एग्जाम देने स्कूल जाया करते थे और माँ तुम्हें दही चीनी खिलाती थी, तब भी तो वो तमाशा कर रही होती थी ना। और जब तुम्हारा बुखार नहीं उतरता था तो दवाई देने के बाद तुम्हारी नजर उतारती थी, ये सब भी तमाशा ही था ना। और तुम्हारे प्रमोशन के लिए जो वो निर्जला व्रत रखा करती थी, वो सब भी तमाशा ही था ना। अच्छा तुम दिल पर हाथ रखकर बोलो, जब मम्मी ये सब किया करती थी तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता था? और माँ की उम्र भी उस टाइम यही रही होगी ना जो आज तुम्हारी है। हाँ मैं समझ गया, पर कैसे ना। तुम बस साइड में खड़े रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है। हाँ माँ। मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गई हूँ, तू आया ही अभी तक लेने? वो माँ मुझे एक ऑफिस का काम आ गया था तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, पर मैं आपके लिए कैब बुक कर रहा हूँ और आपको नंबर भेज दूंगा, आप ड्राइवर के साथ आ जाना। अच्छा ठीक है बेटा। ठीक है माँ। वेलकम मामा। मेरे बच्चों, अब अगर मैं मर भी जाऊं ना तो कोई गम नहीं। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ? मरे आपके दुश्मन। थैंक यू सो मच विद्या, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि माँ को ये सब इतना अच्छा लगेगा। तुमने मुझे आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? एक बचकानी बात करनी है, करोगे? बचकानी? हाँ। आज जो कुछ भी घर पर हुआ तुम बाहर जाकर सबको बताओगे। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे नेचर के बिल्कुल खिलाफ है और बचकाना भी, लेकिन क्या तुम ये करोगे? हाँ मैं करूँगा, लेकिन क्यों बताना है? आजकल हम सब कुछ गूगल पर सर्च करते हैं, पति के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, लेकिन हमारे संस्कारों में ही सब कुछ है। क्या अब ये गूगल मुझे बताएगा कि माँ को क्या पसंद है और क्या नहीं? हमें बस थोड़ा सा रुक कर सोचने की जरूरत है, हमें माँ के दिल को सर्च करने की जरूरत है, ना कि ये गूगल को। और मैं चाहती हूँ कि मेरे भैया भाभी भी मेरी माँ को ऐसे ही सरप्राइज दें जैसे कि आज हमने दिया, और मेरी माँ के दिल से भी ऐसी ही दुआ निकले जैसे आज माँ के दिल से दुआ निकली। अब अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो कोई गम नहीं।